हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग ये स्टैटिस्टिक्स है ना, ये फर्स्ट लेक्चर हो गया जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ डेटा, मीन और मोड आपको समझाया, राइट। आज मैं आपको मीडियन और मीन समझा रही हूँ। ये 10th स्टैंडर्ड के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए ये लेसन इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा ध्यान से समझ लो कि ये मीन, मीडियन, मोड क्या है, उसकी फॉर्मूला क्या है और हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड, राइट। आपको ये 10th स्टैंडर्ड वालों को आपको इससे ज़्यादा है, बट ये 9th स्टैंडर्ड का 10th स्टैंडर्ड में ऑब्जेक्टिव में श्योर रिपीट होगा। कल मैंने अपर लेवल नॉर्मल, लोअर लिमिट, अपर बाउंड्री पॉइंट, लोअर बाउंड्री पॉइंट सभी मैंने समझाया था और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग टॉपिक लेंगे मीडियन, ध्यान से समझना, ओके। मीडियन, मीडियन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम। मीडियन की आपके पास दो फॉर्मूला है, देखो स्मॉल एम नहीं लिख सकते हैं, कैपिटल एम ही लिखना है। एम इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन, सेकेंड एम इज इक्वल टू एन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन टू प्लस वन अलग से, ये दोनों को साथ में नहीं लिखना है, एन अपॉन टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन अपॉन टू। ध्यान से समझो मेरी बात, m इज इक्वल टू एन प्लस वन साथ में और पूरा पूरा नीचे डिनोमिनेटर में टू है ऑब्जर्वेशन, m इज इक्वल टू एन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन अपॉन टू। अभी आपको ये क्वेश्चन होगा कि मैडम ये दोनों अलग अलग क्यों फॉर्मूला है मीडियन की, ये होगी ऑड नंबर में और ये होगी इवन नंबर, इज इट क्लियर। ये ऑड और ये इवन। अभी ये ऑड इवन क्या है, सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन लू तो आपको आइडिया ज्यादा आएगा। फाइंड मीडियन, ओके। मीडियन का कोई भी सम स्टार्ट करो उससे पहले ये करना है आपको कि आपका जो क्वेश्चन है ना उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में टर्न करना है। असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, सबसे पहले 6, 7, 8, 9 और 10। अगेन समझ लो, 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया। चलो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, तो n कितना हुआ, 5। चलो अभी फॉर्मूला, m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, राइट। चलो n की जगह पे क्या रखेंगे, 5 प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन। 5 प्लस 1 क्या हुआ, 6, 6 अपॉन टू ऑब्जर्वेशन, 2, 3 जा 6। चलो थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो आपके क्वेश्चंस में जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें थर्ड नंबर कौन सा है, 1, 2, 3 हो गया। दैट मीन्स योर मीडियन इज 8। मीडियन का मैं सिंपल एग्जाम्पल समझा दू, ध्यान से देखो, ये 5 बॉल्स हैं, राइट। अभी उसको मुझे मीडियन सिलेक्ट करना है, तो यहां से 2 निकालूंगी, यहां से 2 निकालूंगी, ये हो गया आपका मीडियन। सेम हियर, देखो ये ऑड नंबर है, यहां से 2 निकले, यहां से ये 2 निकले, तो बीच में क्या आया, 8। डायरेक्टली भी बोल सकते हो 8, नहीं मैंने प्रूव करके भी आपको दिखाया, आपको तो एग्जाम में फॉर्मूलाज करनी है, ऑड नंबर हो तो ये फॉर्मूला करेंगे आप। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। सपोज और इवन नंबर हो, देखो ध्यान से, चलो सबसे पहले मैंने क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर, क्या बोला मैंने, चलो सबसे पहले 4, 7, 10, 11, 12 और 16, देख लो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में टर्न किया, 4, 7, 10, 11, 12, 16। चलो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया 6, 6 इज अ इवन नंबर, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। नाउ वी हैव टू यूज m इज इक्वल टू n अपॉन टू ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन टू, मैं कितना फोर्सफुली बोल रही हूँ ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ये n अपॉन टू उसके बाद बीच में प्लस और फिर वन है, हा? साथ में नहीं है, ऑब्जर्वेशन अपॉन टू। इज इक्वल के नीचे इज इक्वल आना चाहिए,
वॉक टाइडी होना चाहिए आपका, एन की जगह पे सिक्स अपॉन टू ऑब्जर्वेशन, सिक्स अपॉन टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन अपॉन टू हो गया, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू। चलो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है देखो, टेन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है इलेवन, दैट मीन्स टेन प्लस इलेवन अपॉन टू, दैट मीन्स ट्वेंटी वन अपॉन टू, ट्वेंटी वन अपॉन टू का आंसर क्या आएगा 10.5। देखो मैं आपको एक टेक्निक भी सिखा देती हूँ यहाँ पे, 21 अपॉन टू, 41 अपॉन टू, 31 अपॉन टू, 61 अपॉन टू, जिसके अपॉन में 2 है सपोज और डिवाइडेड नहीं हो सकता, रिमाइंडर बचता है, बराबर है, रिमेनिंग है रिमाइंडर, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। देखो 21 के आगे का नंबर क्या है 10, 20 सॉरी 21 का बिफोर क्या है 20, चलो उसका हाफ करो 10, डायरेक्टली 10.5। चलो 41 का बिफोर नंबर क्या है 40, 40 का हाफ करो 20.5, 31 का बिफोर नंबर 30 उसका हाफ करो 15.5, 61 का आगे का नंबर 60 उसका हाफ करो 30.5, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो सेम हियर 21, 20 उसका हाफ 10.5, देखो ऐसे भी मीडियन पता चलेगा आपको, ये 10.5 आया। चलो अभी और इवन है तो यहां से 3 निकालो, यहां से 3 निकालो, बीच का नंबर तो 10 और 11 के बीच में क्या आता है 10.5, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ये हो गया आपका मीडियन। चलो ये क्वेश्चंस ध्यान से देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है, एक्स अपॉन थ्री, एक्स अपॉन फोर, एक्स, एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन फाइव, मीडियन इज 8, मीडियन दिया हुआ है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन ये आएगा, मैडम ये तो अपॉन में है, असेंडिंग ऑर्डर किस तरह करेंगे? डोंट वरी, डिनोमिनेटर में जितना नंबर बिग ना उतना नंबर स्मॉल, दैट मीन्स एक्स अपॉन फाइव सबसे स्मॉल, उसके बाद आएगा एक्स अपॉन फोर, उसके बाद आएगा एक्स अपॉन थ्री, फिर एक्स अपॉन टू और लास्ट में एक्स, असेंडिंग ऑर्डर हो, अगर फाइव नीचे है ना तो वो सबसे स्मॉल, उसके बाद फोर, फिर थ्री, फिर टू और फिर कुछ ना हो तो वन। चलो वापस कितना है फाइव, ऑड नंबर हुआ, बोलो आप लोग कौन सी फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन। चलो एन का क्या हुआ फाइव प्लस वन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन, 5 प्लस 1 क्या हुआ 6 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। चलो थर्ड ऑब्जर्वेशन आया, m की वैल्यू आपको दी है 8, तो यहां पे क्या रख देंगे 8, 8 थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो क्या है x अपॉन 3, देखा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है x अपॉन 3, तो रखा x अपॉन 3, चलो क्रॉस ले लो तो x इज इक्वल टू 20। देखो ये आपके लिए थोड़ा सा नया है बट ये करना जरूरी है, आया समझ में? असेंडिंग ऑर्डर किस तरह करोगे, जितना नंबर बिग डिनोमिनेटर में उतना स्मॉल, वही रूटीन, ऑड नंबर है फॉर्मूला लिखो, आपके पास यहाँ पे मीडियन फाइन नहीं करना है, मीडियन आपको दिया हुआ है तो मैंने मीडियन की जगह पे 8 लिख दिया। देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन मैंने लिखा x अपॉन 3, 3 को ऊपर ले लिया तो x की वैल्यू क्या हो गई 24। चलो आ गया समझ में, आई थिंक मीडियन आपकी समझ में आ गया, फिर आपका एक ही टॉपिक रहेगा मीन, राइट, मीन के रिलेटेड आपको वो भी करना है, एक टेबल भी होता है, तो कल मैं आपको ये मीन समझाऊंगी, बट कल मॉड मैंने समझाया रिपीटेड नंबर तो मॉड होता है, राइट, और आज मैंने मीडियन, जैसे भी फिनिश होगा मैं उसके बाद आपका टेस्ट लूंगी। ओके थैंक यू।